जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा में। मैं हूं आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे और ये नवरात्रि बहुत सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ ओम क्लीम कालिकाए नमः। तो आप लोग चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कामदेव की पूजा करते हैं, कामदेव के लिए चैंट करना चाहते हैं। सबके अपने अपने इष्ट हैं, क्योंकि जब आपका मन जुड़ जाता है किसी देवी देवता से तो बार बार उन्हीं का ध्यान आता है, बार बार उन्हीं के तरफ हमारा मन खींचा चला जाता है। तो जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम कामदेवाय नमः। कामदेव का मंत्र का जाप तो मैंने कभी नहीं किया, ओम क्लीम कालिकाय नमः का जरूर जाप कर रखा है मैंने, 11 या 21 बार मैंने बोला है। तो उससे मुझे अच्छा शांति मिलती है। देवी माँ की पूजा तो होती ही है और करते भी हैं और करनी भी चाहिए, ये नहीं कि नवरात्रि है तो ही कर लिया, हमेशा करनी चाहिए। बहुत शक्ति प्रदान करती है देवी माँ की कृपा है, शक्ति है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं यही बताना चाहूँगी कि आप कल से नवरात्रि स्टार्ट है, 7 अक्टूबर है कल और 2021, तो आप नवरात्रि में जितना चाहो ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए। आप चलते फिरते जाप करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको फल देगा। क्योंकि कहते हैं कि जितना आप काम करते हुए भगवान को जोड़कर रखते हैं, चैंटिंग करते हैं, उतना ही आपको फल मिलता है। भगवान भी कहते हैं कि हाँ, ये हर वक्त मेरा ध्यान कर रहा है, हर वक्त मेरा नाम को बार बार जप रहा है। तो दोस्तों, आप आसन पर बैठकर तो करेंगे तो आपको तो लाभ प्राप्त होगा ही, और चलते फिरते काम करते हुए, पूजा करते हुए, ऑफिस में, सड़क पर कभी मौका मिले कर लीजिए ओम क्लीम कालिकाय नमः, तो आपको देवी माँ की बहुत कृपा प्राप्त होगी। और ये नवरात्रि से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक तरह से आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जो देवी माँ को अर्पण करोगे ना, उसका अलग ही फल मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रि में जो कुछ भी किया जाता है अच्छा काम, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल ही मिलेगा ना। तो आप बस ये सोचिए कि आपको करना है, अच्छे से मन से चैंट करना है, चलते फिरते करिए, काम करते हुए कीजिए, और 21 बार 11 बार जब भी हो आप फिंगर पे काउंट करके कर सकते हैं। वैसे तो मैं काउंटिंग को इतना ध्यान, इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देती, क्योंकि क्या भगवान हमें काउंट कर करके सब चीज़ें देंगे? नहीं ना। या भगवान कहेंगे कि सिर्फ मुझसे दो ही चीज़ मांग लो तो हम क्यों गिने? हम जितना हो उतना कर लो, एक तरह से बैंक है, जितना फील कर सकते हो कर लो। तो आज के लिए बस मैं यही कहूँगी कि कल से नवरात्रि है, आप ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए। अगर आप कृष्ण भगवान का भी जाप करते हैं तो भी देवी माँ की पूजा करते करते ओम क्लीम कालिकाय नमः का 108 बार जाप जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राधे कृष्णा।